हाय फ्रेंड्स, आई एम ज्योत्सना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा विजन। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ दुर्गा के पास मैंने यही विनती करती हूँ, आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और बिजनेस में अच्छा इनकम करें और देश में अच्छा नाम कमाएं। फ्रेंड्स, दीपा विजन चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। आप लोग के सपोर्ट और प्यार से मेरे चैनल आज यहाँ तक पहुँच गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स हमेशा मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अभी तक जिसने दीपा विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज नीचे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ हमेशा के लिए आप सब ऐसे ही जुड़े रहें, ताकि दीपा विजन का न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले सबसे फास्ट आप लोग के पास पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दुर्गा पूजा के ऑफर में कौन सा आईडी कितना प्राइस में मिलेगा और साथ ही साथ एनएसटीएल का फर्स्ट पार्टी पाम ब्रांच आईडी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है और इस सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले एनएसटीएल फर्स्ट पार्टी पाम ब्रांच आईडी के लिए कौन सा मर्चेंट आईडी सर्टिफिकेट चाहिए उसको दिखाती हूँ। देखिए, ईसीएसी, फिनो पेमेंट बैंक, स्पाइस मनी, पे नियर बाय और पेटीएम पेमेंट बैंक और ये एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्टिफिकेट। जिन लोगों के पास ये सब सर्टिफिकेट है, उन सबको बड़ी आसानी से एनएसटीएल से पाम ब्रांच सेंटर मिल जाता है। फ्रेंड्स, अभी मैंने जितना सब कंपनी का सर्टिफिकेट के बारे में बताया, उन सब से एक सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके साथ में पर्सनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके एनएसटीएल से बड़े आराम से आईडी ले सकते हैं। अभी मैंने दुर्गा पूजा के ऑफर में ओनली फॉर 850 रुपया में एनएसटीएल का फर्स्ट पार्टी पाम ब्रांच आईडी प्रोवाइड करती हूँ। अभी तक जिसने ये एनएसटीएल फर्स्ट पार्टी पाम ब्रांच आईडी नहीं लिए हैं, वो लोग ले सकते हैं। अभी अच्छा मौका है, ये सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए ऑफर है। और जिन लोग को फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी चाहिए, वो लोग भी ले सकते हैं। अभी दशहरा के ऑफर में मैं फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी आईडी ओनली 1450 रुपया में दे रही हूँ और उसके साथ एक पोस्टर और एक बैनर भी फ्री में दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी आइए आप लोग को मैंने दिखाती हूँ सीएसपी, फिनो पेमेंट बैंक, स्पाइस मनी, पे नियर बाय और एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक का सर्टिफिकेट करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी आइए देखते हैं एनएसटीएल फर्स्ट पार्टी पाम ब्रांच आईडी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है। अभी एक एक करके सब रिटेलर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होता है लाइव प्रोसेसिंग देखते हैं। पहले सीएससी सर्टिफिकेट का डाउनलोड करती हूँ। सीएससी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। यहाँ पर सीएससी रजिस्ट्रेशन टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद सर्च कीजिए। नेक्स्ट सर्च करने के बाद ऐसे ही इंटरफेस आएगा। यहाँ पर माय अकाउंट का ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर अपना सीएससी आईडी को टाइप कीजिए। देन यहाँ पर कैप्चा कोड को टाइप कीजिए।
देन एहा पर कैप्चा कोड को दे दीजिए। देन नीचे टर्म एंड कंडीशन बॉक्स में चेक मार्क देके सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट फिंगर स्कैनिंग करने के लिए पेज आएगा, यहाँ पर बॉक्स में चेक मार्क दे दीजिए। नीचे स्टार्ट कैप्चर का ऊपर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद अपना प्रोफाइल शो करेगा। देन सर्टिफिकेट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही CSE का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये तो हो गया CSE का सर्टिफिकेट डाउनलोड। अभी फिनो पेमेंट बैंक सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाती हूँ। फिनो सर्टिफिकेट के लिए सेम गूगल क्रोम में जाके फिनो मर्चेंट टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ऐसे ही इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पर अपना फिनो का यूजर आईडी टाइप कीजिए। देन कंटिन्यू का ऊपर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करते ही फिनो पेमेंट बैंक में रजिस्टर नंबर पे 4 डिजिट का OTP आएगा। OTP को यहाँ पर फिल कीजिए, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। देन यहाँ पर पासवर्ड को फिल कीजिए। पासवर्ड देके सबमिट में क्लिक कीजिए। करते ही आपका फिनो का आईडी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर कॉर्नर में अपना नेम का ऊपर क्लिक कीजिए। देन प्रोफाइल का ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट दिया है, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही फिनो पेमेंट बैंक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट अभी पेनियर बाय सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड होता है देखते हैं। पेनियर बाय सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सेम गूगल क्रोम में आएंगे। यहाँ पर पेनियर बाय टाइप करके सर्च कीजिए। देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऊपर क्लिक कीजिए। देन रिटेलर को सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड को देकर सबमिट कीजिए। देन यहाँ पर अपना आधार नंबर को देकर सेल्फ KYC कीजिए। देन नेक्स्ट का ऊपर क्लिक कीजिए। देन डिवाइस सिलेक्ट कीजिए। देन हैंड सिलेक्ट कीजिए। देन फिंगर को चूज कीजिए। देन फिंगर स्कैन का ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए आपका सामने पेनियर बाय के अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का ऊपर क्लिक कीजिए। देन रिटेलर BC सर्टिफिकेट का ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद पेनियर बाय का ऐसे ही सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अभी स्पाइस मनी का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होता है देखते हैं। सेम गूगल क्रोम में स्पाइस मनी अधिकारी टाइप कीजिए। देन सर्च का ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद स्पाइस मनी का वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर अपना स्पाइस मनी का यूजर आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन का ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद स्पाइस मनी का सर्टिफिकेट का ऊपर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर रिटेलर सर्टिफिकेट का ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। सेम ऐसे ही एयरटेल पेमेंट बैंक का और पेटीएम पेमेंट बैंक का अपना आईडी पासवर्ड देकर अपना आईडी ओपन करके वहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।